ये है दिल्ली दर्पण। भारत जैसे युवा देश के लिए भारतीय रेल भी युवा अवतार लेने जा रहा है और इसमें निश्चित तौर पर 475 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों की बड़ी भूमिका होगी। साथियों, आजादी के बाद के 7 दशकों में 20,000 रूट किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण हुआ। वहीं 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद बीते 7-8 वर्षों में ही 32,000 रूट किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का बिजलीकरण हो चुका है। ये है देश के काम करने की रफ्तार, रेलवे के आधुनिकीकरण की रफ्तार। और इस रफ्तार को तेज करने के लिए अब भारत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बिजली के रेल इंजनों का भी तेजी से निर्माण हो रहा है। साथियों, आज के भारत की स्पीड और स्केल का एक और प्रमाण हमारा मेट्रो रेल सिस्टम है। कोलकाता के लोग जानते हैं कि दशकों से मेट्रो रेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कितना बेहतरीन माध्यम रही है। 2014 से पहले तक देश में कुल मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था और इसमें भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी दिल्ली एनसीआर की ही थी। केंद्र सरकार ने इस स्थिति को भी बदलता हुआ है, उसको बदलने का पूरा प्रयास किया है और बहुत तेजी से बदला है। बीते 8 वर्षों में हमने मेट्रो का 2 दर्जन से अधिक शहरों तक विस्तार किया है। आज देश के अलग अलग शहरों में लगभग 800 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। 1,000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर तेजी से काम चल रहा है। जोका बीबीडी मार्ग मेट्रो परियोजना इसी संकल्प का हिस्सा है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर